हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान और उसके अंतर्गत बायोलॉजी के टॉपिक वाइज सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है। जो आपका NTPC ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इससे पहले के बाकी के दो तीन टॉपिक मैंने आपको दिया, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जंतु उत्तक, यानी उत्तक के अंतर्गत जंतु उत्तक देखने वाले हैं। तो चलिए MCQ के थ्रू इसको कवर करते हैं। तो टॉपिक नंबर 3 है उत्तक और इसके अंतर्गत देखेंगे जंतु उत्तक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, तो सही आंसर क्या बनेगा? उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उपकला उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी हिस्सों का निर्माण करने वाले उत्तक को उपकला उत्तक कहते हैं। और इसे देखिए, कभी कभी उपकला उत्तक ना लिख करके इंग्लिश वाला टर्म्स में हिंदी लिख देता है, यानी इपिथिलीमय उत्तक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए, एक तरह से ये रक्षामय उत्तक के नाम से भी होता है, क्योंकि ये रक्षा करता है, हमें रक्षा प्रदान करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उपकला उत्तक का कार्य क्या होता है? ये शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी हिस्से तथा भीतरी सतह का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों मानते हैं? तो इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, आपको तो पता ही है। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा, राइबोसोम और DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विभिन्न अंगक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। मानव शरीर के मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, PCA और संयोजी उत्तकों का संयोजन। PCA और संयोजी उत्तक का संयोजन जो होगा उसके कारण से हम लोग जो कि संचलन यानी कि मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रश्न देखेंगे कि एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया, जैसे कि यह अंगों के अंदर का अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा करता है, यह उत्तकों की मरम्मत में सहायता होता है। तो बताइए कि जो तीनों कथन दिए गए हैं, ये विकल्पों में से इस उत्तक की पहचान कीजिए, यानी ये जो तीनों बात कही जा रही है वो किस उत्तक के बारे में कहा जा रहा है। तो अवकाश को भर देता है यानी अवकाशी उत्तक करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये आंतरिक अंगों को सहारा भी देता है, साथ ही साथ उत्तकों की मरम्मत में भी सहायता करता है, तो अवकाशी उत्तक करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको देखिए क्या कहते हैं, एरुलर टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में इसके बारे में अच्छे से लिखा गया, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यह उत्तक शरीर में अन्य संयोजी उत्तकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे रक्त भी हमारा एक संयोजी उत्तक है, उसके मतलब बात किया जाए तो शरीर में जितने भी संयोजी उत्तक है उन सभी में ये जो कि ज़्यादा अपेक्षा में अधिक मात्रा में पाया जाता है उत्तक है। यह ढील ढाल उत्तक होता है जो प्रायः अन्य उत्तकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करता है। यह शरीर के प्रत्येक भाग पर जैसे त्वचा के नीचे, PCO के बीच में तथा पाचन नली आदि में पाया जाता है, यानी ये अवकाश को भरता है। नेक्स्ट आता हमारा कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है। हड्डी जो है वो किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? हड्डी एक प्रकार का संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, संयोजी उत्तक ऑप्शन डी बन जाएगा सही आंसर, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, हड्डी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। उत्तक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। जंतु उत्तक के 4 प्रकार होते हैं, यानी जंतु उत्तक के कितने प्रकार? 4 प्रकार। उपकला उत्तक जिसे हम लोग इपिथिलीमय उत्तक के नाम से भी जानते हैं, संयोजी उत्तक, PCA उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक, ये 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। अस्थि या फिर हड्डी उत्तक एक ठोस, दृढ़ और मजबूत संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य शरीर के सभी उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों एवं शरीर को आकार देना और उसे बनाए रखना, ये इसका मेन कार्य होता है संयोजी उत्तक का। राइट, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो देखिए, हमने जस्ट अभी ऊपर में बात किया था इस तरह के क्वेश्चंस को। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा वसा ऊतक। ठीक है, वसा ऊतक यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के इंसुलेशन प्रदान करने और मुख्य प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो अवकाशी ऊतक के बारे में हमने पढ़ा था, अवकाशी ऊतक तो मरम्मत करता है, साथ में खाली गैपों को भरता है, अवकाश को भरता है। तो आपका क्या था वो इंग्लिश वाला टर्म्स एरियोलर। ठीक है, एरियोलर यहाँ पे हमने देखा था, तो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। तो मैंने यही आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में क्या होता है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले टर्म्स को भी हिंदी में ही लिख दिया जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे एरियोलर लिखा गया, यानी इसका तो हिंदी तो होता है अवकाशी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वाला टर्म्स ही लिखा गया, तो दोनों अच्छे से समझना होता है। राइट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एलियोलर ऊतक अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। यह संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। वसा संचायक ऊतक कौन सा है, वसा संचायक ऊतक इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडिपोज ऊतक, ऑप्शन डी हो जाएगा एडिपोज, जिसको वसामय ऊतक के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक होता है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। ठीक है, वसामय ऊतक जो होता है दो प्रकार के होता है, एक तो आपका एरियोलर और दूसरा एडिपोज। ऊतक क्या होता है, तो ऊतक के बारे में हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक अगर हम सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वे कोशिकाएँ जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उसे हम लोग ऊतक कहते हैं। यहाँ पे डी बन जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा भी गया, तो एक बार हम पढ़ लेते क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़रूरी भी है। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं की सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन ऊतक विज्ञान ऐतिकी कहा जाता है। इंग्लिश में ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। देखिए, जंतु ऊतक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित चार प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो ऊपर में भी हमने देखा था चार प्रकार से डिवाइड किया जाता है, तो ये चार प्रकार आप याद रखेंगे कि जंतु ऊतक को चार प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अब इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसे ऊतक कहते हैं, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, रक्त और हड्डियों खाली स्थान के उदाहरण है। तो रक्त भी संयोजी ऊतक है और हड्डी भी संयोजी ऊतक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि मनुष्य के एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो रक्त रहता तो उसे भी कहते हैं, हड्डी यहाँ पे दिया गया तो हड्डी तो करेक्ट आंसर बनेगा ही, तो सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो फिर से देखिए, संयोजी ऊतक तो आपका हड्डी ही हो जाएगा। अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया था, जैसे कि देखिए ये आपका RRB ALP टेक्नीशियन जो आपका हुआ था
20/8/18 को, और ये जो प्रश्न सेम क्वेश्चन है रिपीट हुआ था ग्रुप डी में, यानी 22/10/18 को, दो मंथ बाद जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होता रहता है, तो आप लोगों को भी यही काम करना है। फिर से यहाँ पे एक प्रश्न आता है जैसे कि एक संयोजी ऊतक है, तो रक्त और हड्डी तो हमने याद कर ही लिया है कि संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक रक्त यहाँ पे करेक्ट आंसर कर सकते हैं, बी सही होगा। और ये फिर से देखिए, मतलब उसके दो मंथ बाद, जैसे कि फिर से ग्रुप डी में ये आपका 10 मंथ में और ये आपका 12वां मंथ में पूछा गया, राइट। और फिर से देखिए, रक्त खाली स्थान प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, तो रक्त संयोजी प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, कह सकते हैं ना। तो क्वेश्चंस एक ही रहता है, बस घुमाया जाता है। और वहाँ पे फिर से देखिए, रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो सी को टिक करेंगे। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर की हड्डियों में क्या है, हड्डियों में संयोजी ऊतक, ठीक है, तो सी हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुंह की परत बताइए कि खाली स्थान से बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो सही आंसर ऑप्शन बी, पपड़ीदार उपकला, जिसको इंग्लिश में स्क्वैमस एपिथेलियमाई कहा जाता है। उपकला का मतलब आप ध्यान रखिएगा एपिथेलियमाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एपिथेलियमाई उपकला ऊतक अंगों को बाहरी पतली परत और आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ये चार प्रकार के घनाकार उपकला जो कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि इस तरह से दिया गया, इनमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख गुहा, जीवा, ग्रास नली और आहार नाल के स्तर बनाते हैं। तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आप थोड़ा सा तीनों चारों पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे शरीर के कई अंग हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। और इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, यह शरीर का बाह्य आवरण होती है, जिसे वातावरण या फिर एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो यकृत है, तो अंग हो जाता है त्वचा, लेकिन ग्रंथि कहा जाए तो यकृत, ये ध्यान रखिएगा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बताइए कि कौन सा ऊतक बनता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है, तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर में क्वेश्चन देखा था कि वसा ऊतक बनता है, ठीक है, वसा ऊतक बनता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है, तो पशु ऊतक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पशु ऊतक के हमने कितना चार प्रकार देखा था, जिसमें हमने पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक, चारों देखा था। तो यहाँ पे तो सभी के सभी दिया ही गया, तो कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा स्टार हो जाएगा, ठीक है, स्टार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार आंसर भी दिया गया, तो पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक, चारों ही ये ऊतक पशु ऊतक के उदाहरण माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, वापिस से देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। तो हमने क्या आपको बताया था, हमने देखा था वहाँ पर राइट आंसर हमारा बनकर आया था ऑप्शन बी, यानी स्क्वैमस एपिथेलियमाई, तो बी को टिक करेंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियमाई किस में मौजूद होता है, तो ये जो होता है वो आपका त्वचा में मौजूद होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो संयोजी ऊतक यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं यानी रेशे से बना होता है, जो समांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बने होते हैं, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियाँ जो होती हैं वो प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, ये तीन याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, तो हमने
ऑलरेडी ऊपर में देखा था वातावरण, या फिर क्या कहा जाता था, एपिडर्मिस, त्वचा के सबसे बाहरी जो परत होता है वो एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद डर्मिस आता है, इस तरह से परत होते हैं। देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पे लिखा गया, अच्छे से पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, तो वापस से फिर से क्वेश्चन रिपीट है, तो आप इसको गेस कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आप खुद से बताना कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 142 का सही आंसर नीचे आप कमेंट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक नहीं है आपको बताना है, तंत्रिका कोशिका जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है, उपास्थि होता है, रक्त होता है, अस्थि होता है, लेकिन ये आपका नहीं होगा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए कि संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अस्थि, उपास्थि और रक्त संयोजी ऊतक हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि स्क्वैमस एपिथेलियमी ऊतक फेफड़ों के एल्वोलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है, तो अस्थाई, जहां अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है, तो ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है, किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है, अधिचर्म कोशिका, अधिचर्म कोशिका यहाँ पे ए हो जाएगा, तो अधिचर्म कोशिका को देखिए बाह्य त्वचा या फिर अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है, उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या फिर अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती हैं, इसमें कई अंतरा कोशिकाएं अवकाश नहीं होता है, इसके अतिरिक्त भीतरी जो अवयव होता है मृदुतक कोशिकाओं के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से क्या ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, खाली स्थान जो ऊतक है कौन सा ऊतक के प्रकार जो है वो ग्रंथियां बनाते हैं, एपिथिलियल जो होता है एपिथिलियल, ये इस प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं, तो यहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो कि मेंशन की गई है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जंतु कोशिकाओं के ब्रिकक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए बताइए कि निम्नलिखित में से क्या एपिथिलियमय इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबाइडल, ठीक है, क्यूबाइडल एपिथिलियमय जो इसकी आंतरिक परत को निर्मित करता है, क्यूबाइडल जो एपिथिलियमय है वो इसका निर्माण करता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी ऊपर वाला ही अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आएगा। तो फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है कि कौन सा मतलब ऊतक जो है ऊतक के प्रकार हैं वो ग्रंथियां बनाते हैं, तो हमने देखा कि एपिथिलियम जो है वो ग्रंथियां बनाते हैं, बी करेक्ट होगा। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएँ जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो संयोजी ऊतक में, ठीक है, संयोजी ऊतक में। नेक्स्ट आता है कि अवकाशोत्तक खाली स्थान के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है, किनके बीच, तो हमने ये देखा था कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच क्या करता है कि फिलर टिश्यू यानी जो गैप को भरने का काम करता है, अवकाश को भरने का काम करता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच अवकाशोत्तक, तो ऑप्शन ए को टेक करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में लाल समूहनीय कोशिकाएं ऊतक कौन सी है, निम्न में लाल समूहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है, तो रुधिर यानी रक्त। देखिए पढ़ सकते हैं कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में या पलिहा में रक्त का निर्माण होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है, रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे समूहनीय संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखेगा समूहनीय संयोजी ऊतक कहा जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है, तो क्या हमने देखा वाहिका, वाहिका
उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जैसे कि वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं के ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों और प्रोटीन का स्राव व संश्लेषण करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पादप उत्तक। आज हमने जंतु उत्तक कंप्लीट किया, नेक्स्ट में पादप उत्तक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी आप देख रहे हैं पूछा जा चुका है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको अच्छे से याद रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और ये सभी PDF हम आपको ये सभी PDF जो होगा वो हम आपको अपने एप्लीकेशन पर फ्री वाले सेक्शन में दे देंगे, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।